नमस्कार, लता होम किचन में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको आम का अचार बनाने, क्योंकि आजकल आम बहुत आ रहे हैं, आंधी भी बहुत चल रही है, बहुत अच्छे आम आ रहे हैं आजकल। तो हमने कहा चलो आम का सीज़न आ गया है, थोड़ा सा अचार डाल के बताते हैं आप लोग को। चलिए बताएँ क्या क्या सामान लगेगा। जैसा कि हमने आम 5 आम लेके इसको काट के हल्दी नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि पानी छोड़ता है ना, इसलिए पहले से सुबह से लगा के हमने रख दिया था। अब इसमें लगेगा सौंफ है, मेथी थोड़ा सा, कलौंजी थोड़ा सा, हमने काला नमक भी लेकर रखा है, और ये राई, पीली राई आती है ना सरसों अचार वाली, वो है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे। सभी सामान को सबसे पहले डाल के रोस्ट करेंगे। जैसा कि हमने सौंफ, अब थोड़ी सी 1 चम्मच मेथी, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसको करेंगे रोस्ट। मेथी है, जीरा है, सौंफ है, इसको क्या है रोस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मसाला पीस लेंगे। अभी चूंकि ज़्यादा नहीं है हमारा आम, इसलिए थोड़े ही से मसाला बना रहे हैं। और जैसे आम ज़्यादा रहता है, हम लोग को अचार ज़्यादा डालने के लिए रखना पड़ता है, तो उसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं। फिर तो एक एक कटोरी या एक एक प्याली करके मसाला बनाना पड़ता है खट्टा। अभी हम सीजनली थोड़ा सा अचार डेली यूज के लिए खाने के लिए बना रहे हैं। जब साल भर के रखने के लिए बनाते हैं ना, तो पानी थोड़ा सा और बारिश हो जाता है तब आम का अचार रखते हैं, तब बहुत अच्छा साल भर के लिए अचार तैयार होता है। अभी तो एक्चुअल में क्या है, आम बहुत आ रहे थे, तो हमने कहा चलो ताज़ा ताज़ा खाने के लिए अचार बनाते हैं, तो बना के बता देते हैं आप लोगों को। अचार में हींग भी बहुत अच्छी लगती है, हींग डालने से अचार का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अभी हम बताएंगे क्या क्या और डालना है अचार में। चलिए जैसे कि रोस्ट हो गया, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल थोड़ा सा अचार के लिए गरम करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर डालते हैं अचार। जैसा कि ये 4-5 आम है ना, 5 आम हैं, इसके लिए ज़्यादा तेल नहीं लगेगा हमको, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच करीब लग जाएगा बड़ा वाला। ये लेके 4 चम्मच हमने अंदाज से डाल दिया है, कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा तेल और डाल देंगे। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा कलर मिर्च, काहे कलर अच्छा आ जाएगा। 1 चम्मच कलर मिर्च डाल दिया हमने। अब इस तेल को ठंडा कर देंगे, तेल हमारा जैसा कि गर्म हो गया है, अब तेल को ठंडा करके फिर अचार डाल देंगे। चलिए हम मसाला भून लेते हैं, पीस लेते हैं। चलिए मिक्सी में डाल के अब हम ये मसाला थोड़ा सा ही चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है मसाला। चलिए हम बताते हैं अब आपको अचार डालने, क्योंकि ये मसाला हमने पीस लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम, हमारा तेल भी ठंडा हो गया है, तेल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, जैसा कि हल्दी नमक लगा के रखा था, लेकिन अभी नमक डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, अचारों में हींग बहुत ज़रूरत रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इतना सा बस हींग डाला हमने। अब इसमें हम डालेंगे वो राई आती है ना अचार वाली पीली, वही अचार वाली राई डाल देंगे 2 चम्मच। थोड़ा सा मगरेल डाल देंगे, ये भी अचार में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इसमें डालेंगे काला नमक थोड़ा सा, और ये मसाला डाल दे रहे हैं हम। इसमें नमक और जाएगा, थोड़ा सा अचार में नमक था इसलिए हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे
लाल मिर्ची, देखिए हमारे आम का अचार पड़ गया, कितना जल्दी बन गया। इसमें बस सौंफ, राई और मेथी दाना, हींग, कलर लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काला नमक बस, और कलौंजी। कलौंजी भी डालने से बहुत अच्छा लगता है। ये बन गया हमारा अचार। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आम दे दिया था बहुत सारा, तो हमने कहा चलो आज आम का अचार भी हम लोग ताज़ा बना ले खाने के लिए। चलिए देखिए इसमें तेल भी सफिशेंट है, कोई कम ना ज़्यादा, क्योंकि हमको साल भर के लिए थोड़ी रखना है, इसलिए हमको ज़्यादा तेल डालना ही नहीं था। ये बन गया हमारा अचार। ये डल गया हमारा आम का अचार, देखिए। धन्यवाद। चलिए अब आपको आगे बताते हैं लौंजी बनाना।